सत श्रीकाल दोस्तों, आज असं गल करांगे कि यूपीएससी मेन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लई पंजाबी लिटरेचर क्यों लईए जां क्यों ना लईए, की अड़चणां आ सकदियां, की विशेषताइयां, की खूबियां एक इस सब्जेक्ट दियां देखदे हां। जी पंजाबी लिटरेचर एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी एंड पीपीएससी मेन्स एग्जाम क्यों चुनी है? देखो जी, जो असी कोई मेन्स में सब्जेक्ट लेना हुंदा ना तो तीन चार पैरामीटर होंगे है मेन्स मेन जिहड़े तुहाडे आपां आधार कह लईए जिहदे बेस ते तुसीं ना कोई सब्जेक्ट चुनदे आ। ये कोई परमानेंट पैरामीटर नहीं है, पर फिर भी मेन मेन मोटे मोटे ये पैरामीटर आधार कहे जा सकते हैं। पहला तो है सब तो इंपॉर्टेंट तुहाडी दिलचस्पी, तुहाडा इंटरस्ट। तुसीं उस सब्जेक्ट दे सिलेबस नूं पढ़दे आ, उहदे क्वेश्चन देखदे आ कि तुसीं अपने आप नूं पाउंदे आ कि हाँ यार भी मेरा दिल जुड़दा, हाँ यार मैनूं पढ़न च चंगा लगदा है सब्जेक्ट, हाँ यार मैं यह क्वेश्चन कर सकदा। ठीक है जी, ते उस पैमाने ते ना जिहड़ा साहित आ, साहित बाय डेफिनेशन की हुंदा, जिहड़ा साडी सोच समाज की तृप्ति करे। सोच मतलब चार ना, जिहड़ा कोई बहुत प्लेजेंट होवे, अट्रैक्टिव चीज होवे, सानू संतुष्टि दिंदा आ, रस दिंदा आ। ते उस हिसाब नाल तां पंजाबी लिटरेचर काफ़ी वधिया सब्जेक्ट मनिया जा सकता, जिहड़ा बैकग्राउंड पिछोकड़ पंजाब तो आ, जिहनूं पंजाबी आउंदी आ, दसवीं तक पंजाबी पढ़ी आ, बेस है थोड़ा बहुत, ते साहित विच की आ दिलचस्पी भी हुंदी आ क्योंकि रस भरपूर आ। ते इस मायने नाल ये पैरामीटर तो ठीक है, वधिया आ। हाँ भी ये सानू रस भरपूर दिंदा, सानू रस दिंदा, साडा मन लाई रखदा। ठीक है जी, ये गल। दूसरा जी, कि उस सब्जेक्ट के तुहाडे कोल गाइडेंस है। गाइडेंस मतलब जरूरी नहीं कोचिंग, गाइडेंस मतलब कोई तुहाडा कोई टीचर, कोई तुहाडा कोई ना सीनियर जिहड़ा तुहानूं ना मार्गदर्शन कर सके, जिहड़ा तुहानूं तुहाडी एनर्जी सेव कर सके। बिना गाइडेंस ना हवा च तीर मारन दे बराबर दी गल हो जांदी आ, ते तुसीं अपनी मेहनत नाल काफ़ी अगे पहुँच भी जाओ, पर की हुंदा ना तुहानूं किते ना किते कॉम्प्रोमाइज़ करना पैंदा। ते तुहानूं पता यूपीएससी एग्जाम की है, प्री मेन्स ते इंटरव्यू इको गो च क्लियर करने चाहिए आ, ते तुहाडी ज़्यादा एनर्जी इधर लग गई, जीएस विच तुहानूं कॉम्प्रोमाइज़ करना पै गया, एनर्जी की बर्बादी हो सकती है, तो सिलेक्शन होनी मुश्किल हो जाती है। क्योंकि देखो जी, असीं ये एग्जाम पास नहीं करना, असीं ये क्लीयर इस तरह करना कि दूसरे तो मूहरे होकर क्लीयर करना है ना, ये कॉम्पीटिशन आ। तुहाडे नंबर तो आउंदे 30% तो उत्ते, तुसीं पास ही आ, फेल नहीं हो, पर की है कि तुसीं कॉम्पीटिशन च दूसरे तो ज़्यादा नंबर लैने आ, तां उहदे लई की जरूरी की है स्मार्ट स्टडी, ते गाइडेंस होनी बहुत जरूरी आ। ते थोड़े नंबर तो भी रह गए तो दोबारा तो शुरुआत दो, प्री मेन्स सारे दोबारा तो। ते दूसरी गल है कि एक टाइम होंदा सीगा कि जनता ना नौकरी करदे पढ़ते पढ़ते नाल होर किताबां पढ़ते रहिंदे सी, चलो जी पेपर जे बह गए तो उस हिसाब नाल नंबर आ जाते सी, पर हुण वो जमाना नहीं। हुण की है कि गाइडेंस सारिआं कोल आ, इंटरनेट दा सहूलत आ, दूसरे सब्जेक्टां दे बड़े वधिया वधिया वीडियो हैगे ऑनलाइन, ते इस करके कि कॉम्पीटिशन बढ़ जाता। ठीक है ना, ते कुछ टाइम पहला पंजाबी लई गाइडेंस की घाट है ना, घाट सी है ना, घाट भी सी, तो हुण है गाइडेंस, हुण कुछ टीचर है जिहड़े बकायदा कोचिंग चला रहे आ, चंगे बहुत वधिया रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे आ, ते गाइडेंस है। ठीक है जी, हाँ दूसरे सब्जेक्टां दे मुकाबले उन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, पर फिर भी गाइडेंस है, हुण है, कुछ कुछ टीचर है जिहड़े मेन मेन हैगे आ, ते पर उन्ने हिसाब नाल जिस तरह तुसीं बाकी सब्जेक्ट कह लो, पोलीटिकल साइंस कह लो, सोशोलॉजी कह लो, अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्हां सारिआं विच जिस तरह ज़्यादा टीचर आ, पंजाबी लई गाइडेंस दे हिसाब नाल उन्ने ज़्यादा टीचर नहीं। अच्छा जी, बाकी गल आती है भी की स्टडी मटीरियल है तुहाडे कोल। स्टडी मटीरियल मतलब तुहाडे नोट्स वगैरह, किताबां वगैरह इस तरह है। इहदे विच भी ना पंजाबी लिटरेचर दे विच थोड़ा नैगेटिव पॉइंट ही आ कि आम दुकानां ते जाके किताबां दा बहुत आ, लिटरेचर दियां एम ए पंजाबी दियां किताबां दा बहुत आ, पर एक जे कहीए कि कुछ किताबां दो तीन जिहड़ियां सिर्फ पंजाबी लिटरेचर ते ही होवे तो तुसीं पढ़ियां ते अपने पेपर च बैठे, इस तरह एक दो टीचर दे नोट्स वगैरह है, पर सीधा उस हिसाब नाल ना इन्ना ज़्यादा मटीरियल नहीं है। पर फिर मैं गल करांगा क्योंकि अजकल कोचिंग आ रही आ, बड़े टीचर बहुत वधिया काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब नाल स्टडी मटीरियल भी मिल जाता है पहलां नालों। फिर इत्थे एक गल याद रखनी आ कि नोट्स, स्टडी मटीरियल, किताबां, इन्हां दी सिलैक्शन बड़ी ध्यान नाल करनी हुंदी आ। अजकल की है कि जे तुसीं किसी की तैयारी बिगाड़नी है ना, उन्होंने मोटिया मोटिया दो तीन किताबां दस दो,
सिर्फ किताबों ना गल नहीं बननी, किताबा जा नोट्स मिल जाए, गाइडेंस हो जाके गल बनती है। असं अगे जाके पढ़ा भी कि थोड़ी जी भी घाट रह गई तो नंबर घट जाते हैं। अच्छा जी, तो स्टडी मटीरियल तुम कह सकते हैं हाँ जी मिल जाता, तुम कोई कोचिंग ज्वाइन करो वो तुम सीधे सीधे नोट्स दे देंगे है। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी। सिलेबस कितना जी, कोई भी सब्जेक्ट असं चूज करते हैं, जिस तरह मान लो मैं हिंदी लिटरेचर की गल करा, मैं कह कि यार मेरा तो इंट्रस्ट बड़ा है, पर जो तुम सिलेबस देखोगे सिलेबस थोड़ा वास्ट आ, यह भी गल हो जाती है। पर पंजाबी का सिलेबस ठीक ठाक आ, कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं। एक बार तुम तैयार कर लिया तो थोड़ा वो मैटर तैयार आ, हर साल तुम रिवाइज करके एग्जाम बह सकते हैं, तो सिलेबस ठीक ठाक आ, ये पंजाबी की ब्यूटी है। ठीक है जी, दूसरा कंपीटिशन कितना उस सब्जेक्ट में, कितने के बच्चे अपीयर होते हैं। तो पंजाबी में हाले उन्ना कंपीटिशन नहीं है, तकरीबन 17-18 या 20 बच्चे हर साल अपीयर होते हैं, तो ठीक ठाक पढ़ने नाल भी ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। चंगी गाइडेंस है, चंगी मेहनत की है, नंबर हो ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये गल होगी। अच्छा जी, ये थोड़ा ना फिर रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा इंट्रस्ट है, गाइडेंस है, स्टडी मटीरियल है, सिलेबस ठीक ठाक, कंपीटिशन घट। हुण ना तुसीं आ गल्लां देखणियां, दो दिलचस्पी तुहाडे ते डिपेंड आ। ठीक है, सिलेबस कंपीटिशन इच असीं कुछ नहीं कर सकते, जो है सो है, साडे फेवर विच ही आ गल्लां। इत्थे गल आओ गाइडेंस ते स्टडी मटीरियल दी, ये तुहानूं सही सही मिल जाण तां तुसीं काफ़ी अगे जा सकते हैं, आराम नाल किन्ने नंबर लै सकते हैं, जे तुहानूं सही गाइडेंस ते स्टडी मटीरियल मिल जाए। अच्छा जी, हुण थोड़ा अगे आने हैं, हुण गल करते किन्ने क नंबर आ जाते हैं, किन्ने क नंबर। हुण नंबर तो थोड़ी अपनी मेहनत से डिपेंड करते हैं, पर फिर भी असीं देखिए कि जे ठीक ठाक मेहनत करिए, दूसरे सब्जेक्ट के हिसाब नाल घट मेहनत भी करिए, सैल्फ स्टडी भी करिए, साढ़े कोल वधिया नोट्स हैगे आ, पेपर तुसीं करता लिखता, तुहाडी पंजाबी राइटिंग सोहणी है, तो तुहाडे 180-200 नंबर तो वैसे आ सकते आ, मीन बिना गाइडेंस तो तुसीं सैल्फ स्टडी नाल पेपर च बह गए इन्ने क नंबर आ सकते हैं। ये नहीं घट भी आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं, थोड़े परसनल टैलेंट से है, पर थोड़ी मेहनत से है, पर जनरली इन्ने का नंबर तुम कह सकते कि हाँ भी है, मैं खिंच लाँगा खुद खुद स्टडी करके। मैं दसिया कि कॉम्पीटिशन का जमाना आ, सिर्फ किताबा पढ़ के नोट्स पढ़ के एग्जाम बह जाइए उन्हें गल नहीं बनती, क्योंकि थोड़ा जो कंपीटीटर नाल का बंदा है वह प्रॉपर गाइडेंस लैके अपने आप को निखार के एग्जाम बैठ रहा, तो इसलिए थोड़ा एफर्ट होर करना पैना। ये मैं बार बार कह रहा कि गल सी, ये एक टाइम सेगा कि तुम थोड़ा पढ़िया, एक दो बड़ी रिविजन की, चलो जी मेन्स लिखता नंबर ठीक ठाक आ गया, ईवन तक कि जो तुम किसी नोट्स देते या किसी ने किताबों का नाम दसता, तुम बिच पढ़ लिया अपने हिसाब से जाके लिखता, वो एक जमाना से। उस टाइम क्वेश्चन घट आते थे, उन्होंने बारे काफ़ी लिखना होंगे, तुम जो भी याद किया लिखता तो नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, पर हूँ की है क्वेश्चन ज्यादा हो गए, क्वेश्चन ज्यादा हो गए तो तुम बहुत घट लिखना आ, मीन तो पेपर पूरा करना आ, तो वह घट शब्दों में ही वो तो वह गल्ला कहनी है, तो इसलिए गाइडेंस जरूरी हो जाती है। थोड़ा होर देखते हैं, तुम मेहनत की है, तो गाइडेंस भी है, आंसर राइटिंग भी की है, लिखाई भी तारी सोनी है, तो पेपर पूरा किया, यह बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है कि तुम पढ़ते रह जाओगे पेपर नहीं पूरा होना उत्थे। ठीक, तो यह भी थोड़ी टैक्टिस होनी चाहिए है, पेपर पूरा करना कंप्लीट करना, एक भी क्वेश्चन छड़िया तुहाडे ते खतरे की घंटी बज सकती है, तो थोड़े नंबर 250 प्लस भी हो सकते हैं, ये सारी गल्लां नाल। ठीक, इत्थे जाके फिर उस तो बाद जे तुसीं ये सारी गल्लां कीतियां आ, ठीक, उस दे नाल तुसीं व्याख्या से भी काम किया, अपने प्रसंग साहित व्याख्या से कुछ खास शब्द चुन चुन के वरते आ, तुहाडी क्वेश्चन लिखण की शुरुआत विच किस तरह की लाइन लिखी है, तुसीं कॉमे पा पा के मैक्सीम मैटर दिता आ, आंसर राइटिंग की है, तुसीं टैसट वगैरह लिखे आ, ते विच विच शब्दां दे अंडरलाइन कीते आ ताकि एग्जामिनर नूं सौख होवे आंसर लभण च, मेन मेन पॉइंट चक्कण च। ठीक, तो ये सारे चीज़ां दे नाल तुहाडे नंबर 300 प्लस भी हो सकते आ, बच्चों के होए आ। ठीक है, तो इन्ना जरूर आ कि तुसीं मेहनत करोगे, सारी चीज़ां करोगे, 200 प्लस आ जाए, 250 प्लस आ जाए तो ठीक है, क्योंकि लिटरेचर वगैरह में एक लिमिट तो ज़्यादा नंबर खिंचने थोड़ा औखे होंगे आ, पर फिर भी वो भी खिंचे जा सकते हैं जे तुसीं इस हिसाब नाल तैयारी करो। ठीक, अच्छा जी, अगे आओ तो कुछ चुनौतियाँ, मैं शुरुआत में गल की सी भी कुछ
चैलेंजेस भी है भी इन्ना काम एवरग्रीन नहीं है क्योंकि सारे टीचर जिहड़े कोचिंग पढ़ाते हैं उन्होंने तो कहना ही है कि मतलब बहुत वधिया जी काम हो जाऊगा जी पर साडे सामने कुछ चुनौतियां भी होंदियां चुनौतियां मीन कठिनाइया वह जो असं पढ़ते हैं सू फिर पता लगदियां देखो जी ये रट्टे बहुत आ तो रट्टे लाने पैने थोड़े किन्ने लेखक आ उन्होंने रचनावान के नाम वगैरह है ना कई कई सत्रा तुम्हें याद करनिया पैनिया बिच लिखनिया पैनिया ठीक तो उस दे नाल तुहाडे जिहड़े सुर धुन स्वर वगैरह है सुर व्यंजन धुनिया है ना तो थोड़े जिहड़े अपना लिपि है साडी उड़ा एड़ा एड़ी है ना ये किहड़े सकोच महाप्राण धुनिया आ कि गोश महाप्राण धुनिया है कि डकमियां कि अडकमिया ये सारे की है तुम रट्टे लाने पैंते हैं तो इसलिए रट्टे का काम बहुत ज्यादा आ खास तौर पर पेपर वन में पेपर दो सारा साहित्य का पार्ट आ तो उस की है कि उन्ने के तहे राइटर आ तो उन्ना उस हिसाब ने उन्होंने गल् कही तो याद करके लिख सकते हैं काफ़ी ईवन तक कि सैल्फ स्टडी का भी तुम ठीक ठाक नंबर लै लोगे पेपर वन में काफ़ी रट्टे आ ईवन तक कि देखो ना सिलेबस में देखो किन्ने राइटर आ पेपर टू में देखो सैक्शन टू में देखो वो सारे उन्ना तुम याद करना पैना हर हर टॉपिक से थोड़ा 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 तुम्हें पता होना चाहिए तो कौन नाटककार आ कौन नावलकार आ कौन है कहानीकार आ ये सारे तुम्हें पता होना चाहिए इसलिए ईवन तक कि सिलेबस भी रट्टा लाना पैना सैक्शन बी वाला सिलेबस के ना ये रट्टे जा रहे हैं तुम्हें मेहनत करनी पैनी आ पर यह भी तुम देखोगे मेन्स में होर सब्जेक्टा भी रट्टे होंगे इस तरह की गल नहीं नहीं होंगे है ना जिस तरह आप कह लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की गल करिए भी थोड़ा जो थिंकर्स वगैरह आया किन्ने थिंकर्स ने की गल् कही वो भी तुम याद करनी पैनी है तो इतने भी तुम याद करना पैना काफ़ी चीज़ा पर यह भी है कि तुम याद कर दे एक बार ना रट्टे वगैरह ला भी दे तो तुम जो सत्रह याद हो जाए फिर तुम अपने रोजमर्रा जिंदगी भी वो सत्रह यूज करोगे तो तुम चंगा लगेगा यही गल है जी तुम मेहनत करने तैयार रहना पैना रट्टे लाने पैने दूसरी गल है जी देखो भी एग्जाम थोड़ी एक समर्पण मंगता है तो नंबर मैं देखा कई बच्चों के भी इन्नी मेहनती होंगे नहीं मेहनत बहुत जरूरी है तो वह गल् व्डिया व्डिया करने का गल नहीं बनती थोड़ी सिटिंग होनी चाहिए है जो सिटिंग हैगी है तो तुम मीन काफ़ी इन्ना ये देखो जिन्हों की सिटिंग नहीं ना हैगी घट्टो घट्ट उन्होंने स्कूलिंग चंकी आ स्कूलिंग चंकी करके उन्होंने बेस स्ट्रोंग आ तो वह किसी ना किसी तरह जो प्री क्लीयर हो जाता है तो फिर की है मेन्स में उन्होंने चांस होर बढ़ जाते हैं पर आम बच्चे ये सोच लो कि 6 घंटे की दिहाड़ी की सिटिंग चाहिए आ इन्नी को पढ़ाई चाहिए है क्वालिटी स्टडी ठीक है मतलब गलों गल नहीं बननी तो तुम ना पहले सिटिंग होनी चाहिए दिहाड़ी की 5-6 घंटे तो 6 घंटे तो पढ़ने चाहिए है ना तो जे तुम मतलब समझ के कई चलो 5 घंटे की गल भी बन जाती है वह भी ठीक है ये भी गल है कि असं सिर्फ घंटिया के हिसाब से पढ़ाई नहीं नाप सकते हर किसी का अपना अपना टैलेंट हों पर फिर भी सिटिंग चाहिए है मेहनत चाहिए है इन्नी 6 घंटे की पढ़ाई चाहिए है ठीक है रट्टे लाने तो सिटिंग ये वड्डी गल आनू कोई टीचर पहला नहीं दसेगा तो ईवन तक कि सामने कई तरह के नोट्स किताबा कह दो कि इनू आप पढ़ लियो ठीक है मान लो प्रसंग साहित्य व्याख्या आप पढ़ लियो वो इन्ना आसान काम नहीं है प्रसंग साहित्य व्याख्या मीन समझना भी एनर्जी लगती है तो गल कुछ है जी कठिनाइया आदि है अच्छा जी होर थोड़े कुछ एक क्वेश्चन होंगे एक दो कि हाँ जी जी सानू पंजाबी छड्डे नूं तां कई साल हो गए मैं 10वीं तो बाद पढ़ी नहीं अभी तो भुल भुला गए हाँ ये कोई ना इन्नी कोई औखी गल नहीं है मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का सीगा तो जो साडे मेरे टीचर साहिबान ने मैंनू दसियां गाइड किया तो असी ना मतलब कि ये फिर छेती ही तैयार हो गया तो मैंनू हर साल ये ही कॉन्फिडेंस रहिंदा सीगा कि हाँ भी ये मेरा सब्जेक्ट तैयार है तो एग्जाम तो पहला उन्हें रिवाइज करके असी उस हिसाब नाल प्रिपेयर हो जाता सी इस करके इत्थे इन्नी घबराउण दी लोड़ नहीं ये तैयार हो जांदियां गल्लां कोई गल्लां तां ते पंजाबी च करदे ना साडा बेस तां पंजाबी हैगा आ चंगी गाइडेंस हो पॉइंट तैयार हो जाता लिखना भुल गए हैं कोई गल नहीं प्रैक्टिस ना वो भी चीज़ा आ जाए अगे जी लिखाई कई हों कि लिखाई नहीं ठीक ठीक है लिखाई भी सुधारी जा सकती है उस भी कुछ कुछ टिक है भी हाँ भी लल्ले किस तरह पाना नाणे किस तरह पाना जो असं क्लासा करा कुछ करा तो उस मैं गल दसागा ठीक है अखर किस तरह जोड़ने हैं किस तरह स्पेस देनी है ठीक तो भी गल ठीक हो सकती है कोई इन्नी गल नहीं है दूसरा जी टिपिकल पंजाबी शब्द शब्दों को समझना क्योंकि साड़ी रोजमर्रा में ना असं इस तरह इन्नी अंग्रेजी वगैरह इंग्लिश इनवॉल्व कर ली है कि सानू ना मतलब जो असं दूसरे राइटर्स अपने पंजाबी से पढ़ा तो सानू कई गल्लां समझ नहीं लगनियां सरोकार का मतलब नहीं समझ लगना इखलाक का मतलब नहीं समझ लगना ठीक है तो हुण तुसीं की करिए भी जिस तरह तुसीं उन्हें टाइप करो
ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਐਨਰਜੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੀਨਿੰਗ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅੜਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੜਚਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਹੀਰਾ ਗੇਟ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਵਲ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਹ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਠੀਕ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਠੀਕ ਤੇ ਮੈਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮੈਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਲੇਮੈਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਵਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ 2 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਰੀ ਦੂਸਰੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਵਲ ਆ ਐਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕਾਂਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਟਕ ਆ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੈਰਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਆਹ ਟਿਕ ਤੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਆ ਇਹ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਕਤ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੋਵਲ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮੇਨ ਮੇਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਈ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਟਫ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਾ ਦੋ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦੇ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੇ ਕਲਾਸ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮੰਨੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਨਸਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਮੀਨ ਹਰੇਕ ਟੋਪਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਨਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਉਸਲਾਂ ਦਿਓ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੁਛ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪਾਠ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਹਨਾ ਧੁਨੀਆਂ ਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਕ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਰਿਆ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨਾ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਮਤਲਬ ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਆਕਰਨ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਦੀਆਂ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਾਝੀ ਮਲਵਈ ਦੁਆਬੀ ਪੁਆਧੀ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤ ਮਿਡੀਵਲ ਲਿਟਰੇਚਰ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਸੂਫੀ ਕਾਵਿ ਵਾਰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਕਿੱਸਾ ਕਾਵਿ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਪੇਪਰ 1 ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੋਪਿਕ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਾਹਿਤ ਆ ਲੋਕ ਗੀਤ ਆ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ
ਬੁਝਾਰਤਾਂ, ਅਖਾਣ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਕਾਵਿ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਗੀਤ ਵਗੈਰਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਰੱਟੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਟਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਡਰਾਮਾ, ਨੋਵਲ, ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਡੇ ਨਿਬੰਧਕਾਰ ਕੁਛ ਉਹ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਤਕ ਆਲੋਚਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਟੋਪਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਰੱਟੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੇਪਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਬਾਣੀਆਂ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀਰ, ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਟੋਪਿਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ, ਸਾਡੇ ਧਨਰਾਮ ਚਾਤਰੀ ਕਾ ਪੋਇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਵਲਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪ ਨਿਬੰਧਕਾਰ, ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਲਿਖੇ 2, ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖੋ ਆਲੋਚਕ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।